पेशवा सरकार, मैं वो देख रहा था कहीं चोट तो नहीं लगी है। मैं देखता हूँ, तुम जाओ। जी मेरा मतलब तुम देखो, मैं जाता हूँ। चिमा जी, जी कुछ पता चला कैसे लगी थी? वो भाभी ने जो आपके लिए दिया जलाया था। दिया? कैसा दिया? भाऊ, भाभी पिछले 7 सालों से आपके नाम का दिया जलाते आई है, वो भी हर रोज। आज सासुर छोड़ के जाने से पहले भाभी बहुत उदास थी, कह रही थी ये दिया उनकी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है और उनके जाने के बाद भी वो ना बुझे। शायद उसी दिए से वो आग भड़क गई, ऐसा मुझे रखमा भाई ने बोला। आग भड़की तो दिए से ही है, तो अच्छा हुआ आप वहां समय पर पहुंच गए, नहीं तो पेशविन भाई को बचाना नामुमकिन था। आई? अरे भाई संभाल कर, आपको आराम के लिए कहा गया है ना। मैं ठीक हूँ बाजी। पेशवा सरकार अनुमति दीजिए। आई, मैं भी आया। काशी कैसी है? ठीक है, फेफड़ों में आग का धुआं भर जाने की वजह से बेहोश हो गई थी, ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, वैसे होना भी क्या था। अब क्या कहना चाहती है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बाजी, ये सारे काशी के तरीके हैं सासवर्ड ना छोड़ने के लिए। अभी सेनापति और चिमा ने क्या कहा सुना तुमने? ये आग काशी के जलाए हुए दिए से लगी थी। दिए से लगी, इसका मतलब ये नहीं कि आग उसी ने लगाई है। बाजी, पिछले 7 साल से दिया चल रहा है, अभी सासवर छोड़ने के समय ही कैसे आग लगी? तुम बहुत ही आसानी से काशी के झांसे में फंस जाते हो बाजी। ये आग उसी ने लगाई थी और वो इससे बचने का रास्ता अच्छे से जानती थी, कुछ नहीं होता था उसे। आप जानती है, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो काशी के साथ कुछ भी हो सकता था। आप नहीं थी वहां, लेकिन मैं था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो काशी बेहोश पड़ी थी आग के लपटों के बीच। अगर उसने रास्ता ढूंढ कर ही रखा तो मेरा इंतजार नहीं करती आग के बीच। आई, आज तक मैं काशी को बाबा के मौत का जिम्मेदार मानता था, पर इसमें काशी की कोई गलती है ही नहीं। काशी तो बस अपने वचन का पालन कर रही थी, जो उसने बाबा को दिया था। क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ, पता था। बताया क्यों नहीं फिर? बाबा ने हमसे वचन लिया था। मुझे ऐसा लगता है काशी निर्दोष है, पर ये सब मुझे आप ही के वजह से पता चला है। मैंने क्या किया बाजी? मेरी वजह से कैसे? आप ही ने तो कहा था ना ही, मराठा साम्राज्य की स्त्रियां वीरों के कर्तव्य के रास्ते के बीच में नहीं आती। हाँ बाजी, लेकिन वो बात अलग थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि हाय, मैं जानता हूँ आप नहीं चाहती थी मालवा जाने से पहले मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चले, और बाबा भी नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत के बारे में किसी को भी पता चले। जैसे काशी ने बाबा को वचन दिया था, वैसे कावेरी काकी ने भी आपको वचन दिया था ना। बात तो वही हुई आई, काशी ने तो बस अपने वचन का पालन किया है। आई, जब कर्तव्य के लिए आप इतनी बड़ी बात छुपा सकती है ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं, तो फिर काशीबाई के कुछ ऐसे ही करने पर हम उसे दोषी कैसे मान सकते आई? आप दोनों ने वही किया जो स्वाभिमानी स्त्रियां करती, धर्म संकट में हिम्मत से खड़ी रहती। आप भी खड़ी थी, आप इतनी बीमार थी फिर भी आपने मुझे पता नहीं चलने दिया।
और आप ना होती तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। लाडू, मैं ये लो तुलसी का पानी पी लो, इसे सांस लेने में आसानी होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा गंगा। हमारे कक्ष में आग लगी थी, लेकिन राव अको भाई, राव का कक्ष है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बताओ ना, अब हंस क्या रही हो ऐसे? अब बचा ही क्या है कहने को? पेशविन भाई के पेशवा सरकार, यानी तुम्हारे बैरी बाजी, यो दरवाजा तोड़कर आग में कूदकर अपनी प्रिय को अपने बाहों में उठाकर सबके सामने वो खुद अपने कक्ष में लेकर आए हैं, और आप कह रही हैं कि हम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने भी देख लिया। आपने ही नहीं बल्कि बड़ी मालकिन, सेनापति, पूरा वाड़ा देख रहा था कि कैसे आपके राव ने आपको प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, राव तो मारवा जा रहे थे चढ़ाई के लिए, तो फिर? हाँ, जा तो रहे थे, लेकिन सासू माँ से मिलने के लिए रुक गए थे। सासू माँ से क्यों? उन्हें पता चला कि सासू माँ को तेज बुखार है। उन्हें तेज बुखार है? हम देख। अरे रुको, वो अभी ठीक है, और तुम्हें भी जल्दी ठीक हो ना, चलो आराम करो। अरे, और आप क्या कह रही थी? कि गणपति बाप्पा और गौरी माँ चाहते थे कि आप सासवड़ छोड़ दें, लेकिन अब देखो वो जहाँ चाहते थे वहाँ आपको खुद ही पहुँचा दिया, राव के कक्ष में। नहीं रखमा भाई, राव चाहते थे कि हम सासवड़ छोड़ के चले जाए, तो जाना तो पड़ेगा। लाडू, कोई बात नहीं, हमारा कर ले। राव चलो, अब हमारा क्या काम? अरे तुम कहाँ जा? गंगा, चलो चलो चलो। गंगा, वो उन्होंने बताया कि आपने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राव। कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता तो मैं सब करता। मेरा मतलब, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी मेहरबानी है राव, आपने हमें अपने कक्ष में रहने दिया। लेकिन ना, अभी अभी हम ठीक है, तो आपने जैसा कहा था कि हमें सासवड़ छोड़ना होगा, हम चले जाएंगे। समझ में नहीं आता, हर बार बाजी पलट कैसे जाती है। इतनी शातिर है वो कि मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लेती है।
अच्छी खासी सासवर छोड़कर जा रही थी, पता नहीं जाने के पहले क्या हुआ, पूरा दाव ही पलट दिया। आज तक मेरे बाजी ने मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की थी। माला, अब कैसी तबीयत है पेशेंट भाई की? हाँ अभी ठीक है, बस यूं समझो कि बाल बाल बचे। लेकिन सब बता रहे थे कि आग बहुत बड़ी लगी थी। हाँ वो तो पेशवीन बाई के करम अच्छे समझो, जो पेशवा सरकार जाते जाते रुक गए और पेशवीन बाई को बचा लिया। पर इसमें काशी की कोई गलती है ही नहीं, काशी तो बस अपने वचन का पालन कर रही थी। इतना शोर क्यों मचा रहे हो, दिख नहीं रहा? मालकिन पूजा कर रही है। ना मैं बीमार पड़ती, ना बाजी मेरे लिए रुकता और ना ही इतना सब होता। राधा काकी, कितने दिनों बाद देखा आपको, प्रणाम। मंदिर की धनपेटी को ताला लगा है ना कावेरी? कितना धन कमाया कृष्णा? मैंने पूछा आज कितना धन कमाया? और कितना कमाओगे? राजकोष तो नहीं है तुम्हारे पास जो दिन रात सोने चांदी में नहाओ? ये मंदिर का पवित्र परिसर है कृष्णा, देशद्रोहियों के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। निकलो यहाँ से। काशी भाई के भाइयों, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मन करे जैसा मन करे वहां घुसे चले आओ। तू कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। काशीबाई के भाई होने के अलावा एक चोर हो तुम, जो धन चुराते हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आओ? निकलो यहां से, मंदिर के बाहर खड़े रहो और भीख मांगो। यही औकात है तुम्हारी। निकलो यहां से। कहाँ ना वही लेडी रहो। मेरा मतलब, उठो मत, आराम करो। तपती धूप में बारिश, क्या आज राव को हो क्या क्या है? वैसे हमारी सातवीं शर्त भी टूट चुकी है। जब मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे कमरे में कदम रखा था। हाँ लेकिन आपने ही कहा था कि हाथ शर्तों की नहीं, और शर्त टूटे या ना टूटे सासवड से हमें जाना ही होगा। याद है हमें? आप चिंता मत कीजिए राव, चले जाएंगे हम। ये सामान तुम्हारा है, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो हमारे हाथों पर घाव था तो गंगा ने उतार दिए थे। पर इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ब्राउ, वो वैजी आए थे औषधियाँ लगाने तो हमें उतारना पड़ा, हम अभी हटा लेते हैं।
लग गई क्या? चोट तो नहीं पहुंचाई ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठी, बचपन से झूठ बोलने में महारत हासिल किया ना तुमने। हमेशा से बहुत चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम यही रुकोगी मेरे साथ? मेरे साथ हमेशा, हमेशा के लिए? मेरी पत्नी बनकर? बनकर मेरी पत्नी बनकर रहोगी, इसलिए नहीं कि तुम शर्त जीत चुकी हो। बल्कि इसलिए कि मुझे एहसास हो गया है बाबा की मौत के पीछे तुम जिम्मेदार नहीं हो। दोष तो बस समय का था। सात साल लगे हैं मुझे इस बात को समझने में। पता नहीं क्या क्या कहा मैंने तुम्हें। तुम तो बस बाबा को दिया वचन का पालन कर रही थी। आपने हमें माफ कर दी? कोई माफी नहीं, क्योंकि कोई गलती थी नहीं। इस गलत फहमी ने मेरे दिल में एक आग भड़काए रखी थी, पर तुम्हारे कमरे में लगी हुई इस आग ने मेरे इस दिल की आग को बुझा दिया है। काशी, तुम बेकसूर हो। इन्हें देखो, कोई कह सकता है कि अभी कुछ ही देर पहले ये आके लट्टों से खेल कर आई है? बताओ ना, हमारे जाने के बाद राव ने कुछ कहा क्या? राव कह रहे थे कि अब हम यहाँ रह सकते हैं। क्या क्या सच्ची? उठो उठो उठो। अरे अरे अरे, एक और बात, रुको। राव ने हमें माफ कर दिया। सच्ची? उन्होंने कहा कि अब वो हमें बाबा की मौत के लिए दोषी नहीं मानते। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा रखमा भाई। गंगा, पता है जब राहुल ने कहा कि अब हम यहाँ सासवड़ में पेशवन बनकर रह सकते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे अब हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य और भी ज्यादा बढ़ गए। भाभी, आज तक आपने आपकी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई है, तो
आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी एक चिंता है। क्या? भाभी, पेशवा सरकार और सासवड़ के सारे पुरुष युद्ध पर जा रहे हैं। आप दोनों फिर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे।